हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान भोलेनाथ का एक भक्त है जिसका नाम था भस्मासुर। बड़ा स्वार्थी था। भस्मासुर ने बहुत तप किया, शिवजी ने दर्शन दिया, मांगो क्या चाहिए, कहा प्रभु ऐसा वरदान दो कि मुझसे कोई लड़ ना पाए, मुझे कोई मार ना पाए। भगवान ने कहा ऐसा तो नहीं होगा, कोई तो होगा जो तुम्हें मारेगा, तुम्हारी मृत्यु होगी। ऐसा वरदान मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूं कि तुम्हें कोई मार ही ना सके। मृत्यु सबकी है और ये संसार मृत्यु लोक है, तुम्हें मरना ही होगा। तो इससे बड़ी चालाकी की भस्मासुर ने, कहा ऐसा वरदान दो फिर मैं जिसके सर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। भगवान भोलेनाथ ने कहा तथास्तु, तुम जिस पे हाथ रखोगे वो क्या हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, राख बन जाएगा। मैंने तुम्हारे हाथ में वो ताकत दे दी कि आज के बाद तुम जिस पे हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। महादेव ने उनको तांबे का एक कड़ा दिया था और वो कड़ा भस्मासुर ने पहना और हाथ में शक्ति आ गई थी कि भस्मासुर जिस पे भी हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। तब भस्मासुर ने सोचा वरदान तो मिला है, ट्रायल तो करूं, और उस वक्त आमने सामने कोई नहीं था, शिवजी थे, सोचा क्यों ना शिवजी के ऊपर हाथ रख दूं, एक ट्रायल बेस परीक्षण तो कर लूं, और वैसे भी माता पार्वती बहुत सुंदर है, वो मुझे मिल जाएगी। कहा हे महादेव, ये मैं आपके ऊपर आजमाना चाहता हूं। अच्छा, मेरी बिल्ली मेरे से भी हो, सेल्फिश स्वार्थी, मैंने वरदान दिया और तू मुझ में आएगा। अब शिव जी क्या करें, वरदान तो दे दिया, अब ये तो जिस पे हाथ रखे वो भस्म, अब शिव जी के ऊपर भी हाथ रखे तो शिव जी भी भस्म, आप किसी पे भी हाथ रख सकते हो। शिव जी भागे वहां से। भस्मासुर, ऐसे कभी नहीं करना, मेरे सर पे हाथ मत रखना, शिव जी जोर जोर से चला रहे थे। भस्मासुर ये गलत है, तुम स्वार्थी हो, ऐसा तुम नहीं कर सकते। यह आवाज भगवान विष्णु के कानों में पहुंची, समझ गए कि शिव जी चिंतित लग रहे हैं, किसी असमंजसता में है। तुरंत भगवान ने ध्यान लगाया, मेरे नारायण ने, मेरे हरि ने, कि कहा है महादेव, कौन सी तकलीफ है उनको, समझ गए और वहां पहुंच गए और शिव जी को रोका, क्यों भागे जा रहे हो आप। कहा प्रभु ऐसी ऐसी बात है, मैंने वरदान दिया, अब वो भस्मासुर मेरे ऊपर हाथ रखने को तैयार है। कहा अरे महादेव, ऐसे वरदान आप देते ही क्यों हो जो आप ही फंस जाते हो, भोले हो ना आप, अपने भक्तों की इच्छाएं जल्दी पूरी करते हो। अरे महादेव, सोच समझ के वरदान दो, नहीं तो देखो लोग आपको ही दुखी कर रहे हैं। अब प्रभु ने कहा महादेव आप आगे चले जाइए, मैं देख लेता हूं। बोला प्रभु आपके ऊपर मैं हाथ रख सकता है, मैंने ऐसा वरदान दिया। बोला महादेव आप जाइए, मेरे नारायण ने अति सुंदर मोहिनी का रूप धारण किया और मेरे नारायण अति सुंदर स्त्री मोहिनी रूप धारण करके उस चौराहे पे खड़े हो गए और सामने से भस्मासुर आया। रुक जाओ महादेव, आपके ऊपर हाथ रखूंगा, पार्वती बड़ी सुंदर है, मुझे उससे विवाह करना है। लेकिन जब भस्मासुर ने मोहिनी को देखा तो वो पार्वती शिव सब भूल गया, इतनी सुंदर मोहिनी। अब अति सुंदर मेरे नारायण मोहिनी रूप खड़े लेके खड़े हैं, भस्मासुर मोहित हो गया। अरे सुंदरी, इस चौराहे पे क्या कर रही हो, व्हाट इज योर नेम, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, मुझसे शादी करोगी, विल यू मैरी मी। अब घूंघट तो आधा था और आधी सुंदरता थी। बस मोहिनी ने कहा तुम भस्मासुर हो, मैंने तो सुना है तुम्हें एक वरदान मिला है कि तुम जिस पे हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। कहा तुम्हें कैसे पता चला। बोले हां,
पूरी पृथ्वी पे बात फैल गई है कि भस्मासुर किस पे भी हाथ रखे, अरे वाह भस्मासुर तुम मेरे पति बनोगे और तुम में इतनी ताकत है, फिर तो मैं तुम्हारी पत्नी जरूर बनूंगी, मैं तुमसे विवाह करूंगी। पर मेरी एक और शर्त है कि मेरे को ऐसा पति चाहिए जिसको डांस आती हो, नृत्य करना आता हो। आती है तुम्हें डांस वांस करना? अभी ब्याह के लेके जाओ और मैं तुम्हें अपने हाथों से गरम गरम रोटी वोटी खिलाऊंगी, बढ़िया पिज्जा बना के दूंगी। भस्मासुर ने कहा हाँ पिज्जा खिलाओगी, मुझे बर्गर खिलाओगी? मोहिनी रूप ने मन में कहा तू मेरे सामने तो आ, तेरी मुंडी काटूंगी, तूने मेरे भक्त शिव को नाराज किया है, उसके दिए हुए वरदान तुम महादेव को समझते हो, तुमने मेरे महादेव को दुखी किया है। अरे भस्मासुर तुम्हें नृत्य आता है? बोला वही तो नहीं आता है। बोले मैं सिखाऊं? बोले हाँ सिखाओ, पर सुंदरी अगर मैं सीख जाऊं तो तुम मुझसे विवाह करोगी? बोले हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं तुम्हारी हो गई। तुम्हें पता है भस्मासुर कितने देवता मुझसे विवाह करना चाहते हैं, मैंने सबको मना कर दिया। अरे भस्मासुर तुम्हारे पास तो देवताओं से भी बढ़कर ताकत है, और तुम कितने सुंदर हो, तुम कितने बलशाली हो, इतना सर पे चढ़ा दिया, और अहंकारी को तो क्या है, तो उसकी प्रशंसा करो, खुश है वो? अहंकारी व्यक्ति प्रशंसा में ही खुश है। चलो कहा नाचो। अब जैसे जैसे भगवान अपनी मुद्राएं हाथों की, अगर जैसे जैसे भगवान नाच रहे हैं वैसे वैसे बस, तो जैसे जैसे भगवान सिखा रहे थे, ट्रेनिंग दे रहे थे, वैसे वैसे कर रहा था। भगवान गोल गोल घूम रहे थे तो वो भस्मासुर भी घूम रहा था। भगवान कमर पे हाथ रख के कमर लचका रहे तो भस्मासुर भी लचका रहा था। इतना पागल था भस्मासुर, वो इतना खो गया मोहिनी में कि जब मेरे प्रभु ने अपने सर पे हाथ रखा तो ये स्टेप भस्मासुर ने भी किया, तो उसने अपने सर पे हाथ रख के खुद को भस्म कर दिया, और मेरे ठाकुर ने भस्मासुर का गोविंदाय नमो नमः, और भस्मासुर वहीं राख बन गया।